ई आप लोगन के बीच में एक हम कैसेट भेजत बानी। कैसेट का शीर्षक हो गद्दार बना बाप, उर्फ राम और तरुणी की लड़ाई। ध्यान देंगे टी सीरीज के माध्यम से ही कैसेट जात हो और बहुत दिन पहले आप लोगन देखत रहलन टेलीविजन पर रामानंद सागर रामायण का सीरियल देखवलन, बी आर चोपड़ा महाभारत का सीरियल देखवलन, लेकिन रामायण और महाभारत के अंदर कुछ ऐसा खास बात मिलल हो कि न रामानंद सागर देखवलन न बी आर चोपड़ा देखवलन। कहानी केकर हो, हमरे बिरहा का शुरुआत हो, केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा, कहाँ का कहानी हो, यहाँ से बात के शुरुआत हो गई का। की रावणी को हुआ घोर अभिमान, लंका बन गया यह शमशान, तरुणी से न चला ले कर में धनुषा बाण। मन में लिए चल के माता के चरणों का लूंगा प्रसादी, समर बीच में आकना है मुझे राम सेना की कितनी है बाकी आबादी। तनी बात समझ यन कहानी कब कहो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाणों से लंका या श्मशान बन चुका है। एगो रामायण में कहूत कहल जला कि जेकर 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। आज रावण का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। रावण धनुष बाण लेकर के अपने घर के अंदर महल के अंदर चहलकदमी कर रहा है कि आज मेरे खानदान में मेरे परिवार में कोई नहीं बचा, आज मुझे धनुष बाण उठाना पड़ेगा और रण के मैदान में जाना पड़ेगा। तब तक एक छोटे लड़का रावण के खानदान के विभीषण का बेटवा जेकर नाम रामायण में तरुणी बतावल गई, जा के तरुणी से प्रणाम कैले हो, उमरिये बहुत छोट हो, 8-9 बरस का लड़का बा, हाथ में छोटी गो धनुष बा, छोटे छोटे बाण हो, लेकिन तैस में है लड़का। जाके रावण के प्रणाम कैलन है, कलन की बाबू अभी हम तब बकिए हैं और जाऊंगा जाऊंगा रण के मैदान में, जा करके राम को देखूंगा कि राम के बांदरी सेनाओं में कितना ताकत है, राम को मारूंगा। अरे भैया लड़का के आवाज जब रावण सुनलन है, कलन की साबस साबस बेटवा साबस। रावण तो सोचते रहलन कि अगर आज के केहू लड़ाई हमार संभार ली तो कल धरती पर केहू हमके मारे वाला है ये न हो, कल केहू मरबे न करी। अय भैया लड़का चलल बा, लेकिन चले से पहले गई बा अपने मतारी के लग गए, विभीषण के दुल्हन के लग गए और सोचत बा कि लड़ाई के मैदान में जाते हैं, चल के पहले माई से आशीर्वाद ले ली। माई के जाके चरण छोले बा, माई कहलिन कि बाबू कैसन रे कैसन धनुष बाण लेके कहवा जाते हुए। कलश की माँ मेरा बाप विभीषण तो लंका के लिए गद्दार बन चुका, लेकिन मां लंका के लिए गद्दार नहीं कहूंगा, जाऊंगा जा करके राम को मारूंगा। मतारी टुकुर टुकुर लड़का का मुंह तिकवत हो कि हई देखा हमरे बेटवा जेवनी भगवान का जिंदगी भर हमन का भक्ति कई ली जा, और हमरे बेटवा लड़ाई के मैदान में जात हो भगवान से लड़े, लेकिन रहल मतारी हो मतारी बेटवा के आशीर्वाद दिहलिन है, लगवा सीता जी रहलिन, सीता जी के लगवा पहुंचल बा उतरुई से छोट लड़का, जाके सोचलस की सीता जी से भी आशीर्वाद ले ली। गयल बा सीता जी के पांव पकड़ ले बा, सीता जी कहलिन की बाबू केकर बेटवा हुआ। कलश की विभीषण का बेटवा है, कहलिन सीता जी की बड़ा रोष में लगत हुआ तैस में हुआ, जात कहाँ हुआ। कलश की जात है राम के मारे, लड़ाई के मैदान में जा रहा हूँ राम को मारूंगा,
देखूंगा कि राम के बाजुओं में कितना ताकत है। सीता जी टुकुर टुकुर तिकवत हैं, सोचत हैं कि हमरे भगत का बेटवा हो और जात पर हमरे भगवान से लड़ाई करे, लेकिन हो भगत का बेटा। सीता जी के दिल में दया आई, अपनी गर्दनिया से माला निकाल के और वो लड़कवा के गर्दन में पहना दिया। कहलिन की जो बेटा जब लड़ाई के मैदान में जात हुए तो जो हमरो वरदान हो तोरे साथ कि जब तक तोरे गर्दन के अंदर माला रही धरती के केहू वीर मरबे न करे। ए भैया लड़का चलल बा, लेकिन जब लड़का चलल बा ओ समय एक बात कह चलल बा, का कहले हो? ये कहत बा कि कोई बेटा, अरे कोई बेटा कहाँ आने वाला नहीं, कोई बेटा कहाँ आने वाला नहीं, कोई बेटा कहाँ आने कहने वाला नहीं, कोई बेटा 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 कहने वाला नहीं। चला है धनुषा बान लिया, कहे विभीषण बेटा तूने सीना तान लिया, सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है, पहन कर माला अपने गर्दन को सजाया है, दे दो माला बेटा मेरी ये तमन्ना है, मेरे जिगर का टुकड़ा सचमुच तू नगीना है। पिता की बात सुनकर तरुणी तब मुस्काया है, पिता की बात सुनकर तरुणी तब मुस्काया है, निकाल कर माला तुरते हाथों में धराया है। तो रावण की बगिया लूट गई, रावण की बगिया लूट गई, कोई बाह पुराने वाला नहीं रे, कोई दिया जलाने बात मिलल हो। एक तरफ तरुणी जा रहा है लड़ाई के मैदान में, ओवर से विभीषण आवत रहलन, रस्तव में मुलाकात भयल बा, और जब विभीषण का नजर पड़ल वो लड़का पर नजदीके पहुंचलन, कलन की बेटा कहवा? डांट करके तरुणी सेन बोला कि तू लंका खातिर गद्दार कहेबा, लेकिन हम लंका खातिर गद्दार न कहे, जा रहा हूँ जा करके भगवान को मारूंगा, देखूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाजुओं में कितना ताकत है। चल पड़ा है तरुणी सेन बाबू, लेकिन तब तक नजर पड़ गई विभीषण को लड़का के गर्दन पर, देखलन की बड़ा सुंदर माला पहनले हो, कलन की बाबू तनी रुकबे, लड़ाई के मैदान में जात हुआ ठीके हो, हम तो जिंदगी भर भगवान का भक्ति कैली, लेकिन हमरे बेटवा होइ के आज जब भगवान से तू लड़े जात हुए त हई बड़ा सुंदर माला पहनले हुए, ई माला के कर देहल बा? लड़कवा हंसे लगल कलश की बाबू ई माला ऐरू गैरू ना हो, ई सीता जी का देल बा, आ सीता जी का कहना बा कि जब तक गर्दन के अंदर माला रही धरती कबीर केहू मरबे न करे। देखें एक बाप ही अपने बेटा के साथ गद्दारी कर दिया। विभीषण सोच गया कि और हेल गई भैंस गहिरारे पानी में, जेवन सीता जी खातिर भगवान सब कुछ कैलन, रावण के लंका के श्मशान बना दिहलन, रावण के खनदान खत्म होके जा रहल बा,
और वह सीता जी अपने दुश्मने के गर्दन में माला दे के वरदान दे दी हली कि जब तक गर्दन में माला रही धरती कबीर के मरबे न करे। देखे एक बाप ही अपने बेटा के साथ गद्दारी कर दिया। कहलन विभीषण की बेटवा सीता जी का वरदान बा कि जब तक गर्दन में माला रही तू न मरी बे। अरे त लड़ाई के मैदान में जाते हुए झटका लगी चट दे मलवा टूट जाई पट दे मरा जीवे। फट दे भीतर हो जीवे बेटा। वाह वाह कलन की सुना बेटा ये काम करा कि मलवा हमके दे दा। हमके मलवा दे दा हम अपने बगली में रख ली न माला टूटी न तू मरई बे। छोट लड़का अपनी बाप की चलाकी को समझ रहा है बाबू लेकिन अज्ञाकारी बेटा था। माला निकाला है हंसता है मुस्कुराता है और माला निकाल करके विभीषण के हाथों में दे दिया। चल पड़ा वो लड़का आज जब जाई के लड़ाई के मैदान में खड़ा भइल हो एक तरफ छोट लड़का एक तरफ भगवान। लड़ाई के मैदान में आमने सामने दोनों खड़े हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब नजर पड़ल हो वो लड़का के ऊपर भगवान सोचे लगलन कि आय हाय आज लंका वीरन से खाली हो गई। रोज तबीर लड़े आवत रहलन लेकिन आज एक सामने लड़का आयल हो लड़े बदे। अरे भैया लड़कवा के समझावत हूँ टेरी के अंदर कवि जी कहलन है का मरिया बारी बागी बबुआ अब उमरिया हो राम। अरे उमरिया बारी बागी बबुआ कहे श्री राम राढ़ राढ़ी ना कर समरिया। भगवान लड़का को देख करके बोल पड़े कि अरे बेटा तेरी उम्र लड़ने की नहीं है तेरी उम्र तो खेलने खाने की है माँ के आंचल में सो करके दूध पीने की है। चले जाओ मैं लड़कों पर बाण नहीं चलाता। जब इतना बात तरुणी से सुनलस बाबू खून खोलने लगा। ललकार कर तब तरुणी बोला ललकार कर तब तरुणी बोला क्या समझ रखा है मुझको तू पानी है तो आगे आवाज बता दूं कि कैसा मैं हूँ। कलश किए तुहार प्रवचन सुने लड़ाई के मैदान में ना ही आईल है। दम हो तो धनुष बाण उठावा चलावा की चलाइबा की चलाई। ललकार को जब भगवान सुने ललकार को जब भगवान सुने हाथों में धनुषा बाण लिए। अरे लड़का है तो क्या दुश्मन है तरकस पर बाण चढ़ा लिए। भगवान धनुष पर बाण चढ़ा ली हलन सोचत हवन की लड़का हो तक का दुश्मन बा आ जब रण के मैदान में आके ललकारत हो तो मारना हो। अः भैया धनुष पर बाण चढ़ौलन है लेकिन फिर भगवान का दिल में दया आ गई। लगवे विभीषण हुवन वही विभीषण से वो लड़कवा के बापे से भगवान बतावत हुवन। भगवान का ही पता ना हो कि बेटवा विभीषण का बा। विभीषण खड़ा हुवन और विभीषण से भगवान हंस के एक बात कहलन तरज बा का तरज कलाइन हो मास्टर। बाकी आई हो दादा अरे आई हो दादा कैसन पियावा के चरी तरबा। आई हो दादा हम कहिला की बिरहा तीन तरह के होला बालू पर लकीर पानी पर लकीर पत्थर पर लकीर। बालू पर लकीर खिंचवा मिट जाई पानी पर लकीर बालू पर लकीर खिंचवा हवा आई हवा के झोंका मिट जाई। पानी पर लकीर खिंचवा मिट जाई धून तराना छिनरी भौजी कजरवा टिकुलिया होला। सुनवा हंस के भुला जीवा लेकिन पत्थर पर लकीर हमारे बिरहा का लाइन होला। विभीषण से समझावत हुवन भगवान और यह बात कहलन है का कहलन कि अरे हई देख हो अब हई देख हो इत लैका खूब अमान प्रभु समझावे बेटा बात जन बढ़ावो सुतल शेरावा के जन तू जगावो
कहला विभीषण दुश्मन कई हो प्राण बा, कहला विभीषण दुश्मन कई हो प्राण बा, हई देखो हो इतना लड़का खूब अमान बा। विभीषण से भगवान बतावत हुवन तब तक लड़िकवा तरुणी सेन बोल पड़ल बा। अब बोल के कहले बा एक लाइन तरज बा, का तरज के लाइन हो मास्टर? वो है तरज बा की पानी में आग लगाने की रात है, जलने की रात है, वो जलाने की रूत है। करके तरुणी सेन बोला है कि अरे ताकत को आज दिखाने की बात है, ताकत को आज दिखाने की बात है, लड़ने की बात है, वो लड़ाने की बात है। अब ही भगवान सोचते हुवन तब तक छोट लड़का तरुणी सेन कैलस का बाबू कि देखत देखत दिहला सब बनवा चलाई। हम प्रभु श्री राम देखी गैलन घबराई, अरे तरकस पर बाण चढ़ाने की बात है, भाई तरकस पर बाण चढ़ाने की बात है, लड़ने की बात है, वो लड़ाने की बात है। अभी भगवान सोचते हुवन तब तक तरुणी सेन बाण चला दिया। आ जब बाण चलवले बा, रामायण के अंदर बाबू प्रमाण मिलता है, जो भाई रामायण पढ़े होंगे प्रमाण मिलता है कि जब भगवान बाण चलाते थे तरुणी सेन केवल 3 कदम पीछा हटता था, लेकिन जब तरुणी सेन उठा करके अपनी बाण चलाता था तो भगवान 6 कदम पीछे हट जाते थे। तरुणी जब बाण मरलस भगवान तिल मिला गईलन, कहलन कि अरे इत देखही का छोट बाण, बाण चलावत हो बड़ बिरन जैसन। एक तरफ तरुणी सेन है तो एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लड़ाई यार पार की छिड़ गई, आ जब लड़ाई यार पार की छिड़ल हो तो कवि जी यहाँ वीर रस का भाव दिहलन का। कहल गई कि लड़े हैं, अरे लड़े हैं दोनों आज समर में, लड़े हैं छिड़ल बा। आ जब लड़ाई यार पार के छिड़ल, उस समय के बाद देखें एक तरफ भगवान है तो एक तरफ भगत का बेटा तरुणी सेन है। आखिर अंजाम निकला क्या भैया? अल्लाह के लाइन में कवि जी दिहलन है। यही से कहिला
समझ ला, एक तरफ भगवान तो एक तरफ तरुणी सेल, बाण पर बाण चलत बा लेकिन वही लड़ाई के मैदान में छोट तरुणी सेन हसत हो। बाबा भगवान सोचत हुन की अरे बात का हो, लंका के बड़े बड़े वीरन के लड़ाई के मैदान में संहार कैली, आज एक छोट लड़का न मरा था, लगवे विभीषण खड़ा हुन। विभीषण से पूछ बैठलन, भगवान पूछत हुन कि प्रभु विभीषण बतावा कारण का हो, बड़े बड़े वीरन के हम संहार कैली। कहलन है का कहलन कि अरे बड़े बड़े बीरवन का भाई, बड़े बड़े बीरवन का हम हूं संहार रे दिहली, इसी लड़ाई के मैदान में मैंने लंका के सारे वीरों को मार दिया, बड़े बड़े वीरों का संहार किया, और बताइए आखिर कारण क्या है, ये लड़का नहीं मारा जा रहा है। विभीषण कलन की मरईबो न करी, कलन की कहा तब विभीषण बतौलन है का कहलन कि कहला विभीषण तब सुनी रघु रहिया, अरे कहला विभीषण तब सुनी रघु रहिया, अरे पैर के तलुआ में अमृत फसल भाया, ऐसन बाड़ा मारा भगवान तरुणी चला सुपारा, भाई ऊपर से गृहंका नीचे से करा बार, ए भैया सुन के रघु बोल तब चला झलक बनावा, भाई तरुणी लाला नामा धैली हला नका धीरे धीरे नीचे आवे लगा लने, ए भैया नीचे से निशाना लेके रखबर कैले पार, तब बनावा के लगा तलाला ना गिर गई ले, ए भैया बनावा के लगा तलाला ना गिर गई ले, ओई धरती पर बही चल लखुनावा के धार, बारे भगवान तेरा भी लीला गजब है। आखिरकार वही बताए हैं विभीषण की प्रभु, ए लड़का के तलवा में अमृत वास करत बा, ऐसन बाण चलावा कि लड़का आकाश में उड़ के जाए और आकाश से जब नीचे गिरने लगेगा उसके तालवे का निशाना लेकर के आप बाण चला दीजिएगा। भगवान विभीषण के कथना अनुसार वही तरह बाण चलौलन, लड़का आकाश में उड़ल बा, जब नीचे गिरे लगल तालवा का निशाना लेके मरलन, जब तालवे में जो बाण लगल, ए भैया तरुणी से धरती पर धाराशाही हो गया, खून की धार बह चली। एक बाप ही अपने बेटे की मौत की पूरी जानकारी दे दिया, एक बाप अपने बेटा के साथ गद्दारी किया और बेटा के दुश्मन से बेटे की मौत की पूरी खबर बता दिया, लेकिन रहलन बाप जब तरुणी से धरती पर गिरलन है खून से लथपथ छटपटात हुन, एक बाप का दिल न मानल, विभीषण जाके रोए लगलन और रो के बेटवा के लाश लेके कहत हुन का कहलन भैया कि रोवेलन विभीषण, ए भैया रोवेलन विभीषण, रिश्ता के गईला मोड़ी सुगना, हमारी अधि जल में नवरिया के छोड़ी सुगना, मरली विभीषण के इशारे पर, लेकिन आज विभीषण लड़का का लाश लेकर वो थुवन, जबकि नहीं के कहले से ही लड़कावा कभी संहार कर ली। कारण कहो, दौड़लन भगवान जाके विभीषण से पूछे लगलन, विभीषण लड़का के लाश धरती पर रख के हाथ जोड़ के कहलन कि प्रभु जोनी लड़कावा का वध कैला, ई केहू का लड़का दूसरे का ना हुई, हमारे बेटवा हो, हमारे बेटवा हो। अय भैया भगवान अवाक हो गए, अवाक हो गए भगवान की, अरे मैं तो अनर्थ कर दिया, अपने ही भगत के बेटा का मैंने संहार किया,
कबीज के लिखे के पड़ल का कि सीतापति शर्मिंदा भइले बात सभी समझ कर फेंक दिए धनुषा बाण अब पाऊंगा क्या लड़कर भले वैदेही से जइबे मुह मोड़ सुगना फेंक दिए भगवान धनुष बाण कहने लगे कि अरे विभीषण अब सीता जी चले या लंके में रह जाएं लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। विभीषण कहलन कि प्रभु अगर तू लड़ाई न करब तक हमार बेटवा जी जात हमार बेटवा ना जी भगवान के समझावत हुन और विभीषण जी आ समझा के कहलन है का कहलन कि समझावे विभीषण जिंदा होई ना सुगानावा आज करे खातिर सब कुछ कैला जिंदा दुसुमानावा अरे रावण के कई दा भंडा फोरे सुगाना हमारी अध जल में नवरिया के छोड़ी सुगाना हमार बेटवा जी जात हमार बेटवा तो मर गई आज जेकरे खातिर सब कुछ कैला उ है ते अभी जिंदा हो जेकर नाम रावण बा तो प्रभु धनुष बाण उठावा रावण का वध करा। वही विभीषण के कहने से भगवान दोबारा धनुष बाण उठाए रावण का वध किए लंका पर विजय प्राप्त किए लंका का राज तिलक विभीषण को दे करके अपनी पूरी बांदरी सेना के साथ जनक नंदिनी सीता और छोटे भाई लखन को लेकर के अपनी अवध की नगरी को भगवान प्रस्थान कर गया। गाने का अंतिम प्रमाण था जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी श्री नारायण अनुजलाल संग मितवाज अवध बिहारी अरे उमरिया बारी बागी बबुआ तमोरा रामा हो राम अरे उमरिया बारी बागी बबुआ लिखत ओम प्रकाश नई नई लजदरिया उमरिया बारी बागी बबुआ।